हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। सो, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल देख चुके हो तो बिना बकवास के सीधा वीडियो पर चलते हैं। सो, खबर यह है कि मार्वल ने स्पाइडरमैन 4 के लिए डायरेक्टर चूज कर लिया है और इस इंसान का नाम है डस्टिन डेनियल क्रेटन। मैं तुम्हें बता दूं कि ये वही इंसान है जिसने शांग-ची डायरेक्ट की थी। शांग-ची, हाँ वही यार। साथ ही ये मार्वल की वंडरमैन भी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी भी डायरेक्ट करने वाले थे, बट वेल, हम सब जानते हैं कि जोनाथन मेजर्स ने ऐसा रायता फैलाया कि मार्वल वालों को पूरी मूवी स्क्रैप करनी पड़ गई। यू स्टूपिड। खैर, तो वापस स्पाइडरमैन पर आते हैं तो मुझे ये चॉइस बहुत अच्छी लगी क्योंकि डस्टिन एक एक्शन डायरेक्टर है और ऊपर से ये सोर्स मटेरियल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये दोनों ही चीजें हम शांग-ची में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में एमसीयू की सबसे वेल कोरियोग्राफ्ड मूवी है एक्शन के मामले में। इनके अलावा ज़ेंडाया भी अपने एमजे के रोल में वापस आ रही हैं, जो कि ठीक है, बट इसकी जगह अगर ये लोग नेड की कंफर्मेशन करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। बात तो सही है। अब आगे अगर स्टोरी की बात करें तो फिलहाल तो कुछ खास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि ये ग्राउंडेड मूवी हो, लाइक डेयरडेविल एंड पनिशर। आफ्टर ऑल, स्पाइडरमैन एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो है। हाँ, वो इस हिसाब से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, बट स्टिल वो एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो है, और ऐसी मूवी हमने अभी तक एमसीयू में नहीं देखी, और ऊपर से आई एम डन विद दिस मल्टीवर्सल शिट। हाँ, अगर एंड्रू टोबी को वापस ला रहे हो तो अलग बात है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एंड थैंक गॉड ऐसे चांसेस है कि ये मूवी एक ग्राउंडेड मूवी होगी, क्योंकि जब डायरेक्टर की कंफर्मेशन हुई तो एक्स पर किसी ने कमेंट किया कि अगर ये मल्टीवर्सल मूवी है तो ऑलरेडी बू, मतलब तो तुम समझ ही गए होगे। जिस पर कैन वी गेट सम टोस्ट नाम के एक इनसाइडर ने कहा कि डोंट वरी, ये एक मल्टीवर्सल मूवी नहीं होगी। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि इस मूवी की असल स्टोरी है क्या। अब एक पॉसिबिलिटी वेनम हो सकता था क्योंकि उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट एमसीयू में ही छूट गया था, लेकिन हम सब जानते हैं सोनी क्या है। सो, उन्होंने वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में ये सीन दिखाकर हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। ऊपर से उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि मार्वल स्पाइडरमैन के विलन्स को एमसीयू में यूज ही नहीं कर सकता। अब मैं क्या बोलूं? ऊपर से इन्होंने स्पाइडरवर्स की लास्ट मूवी की स्टोरी भी पूरी तरह से स्क्रैप कर दी है और अब उसे ये एक नए सिरे से लिखेंगे। चलो, ये तो एक अच्छी बात है, पर अब हमें ये मूवी 2027 से पहले नहीं मिलने वाली, लिख के ले लो। क्या बात कर रहे? तो बस आज के लिए इतना ही। अब तुम्हारे इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मुझे कंफ्यूजन है, अगर तुम लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे बताओ कि जब ट्विटर के जमाने में इसे ट्विट कहा जाता था तो आज एक्स के जमाने में इसे क्या कहोगे।